हेलो फ्रेंड, मैं आज़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये भी काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इजी एंड मोस्ट पावरफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको सिखाने वाला हूं, जो आप क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एंड इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम जो होता है वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि किस मार्केट को आप पकड़ रहे हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेक श्योर इस वीडियो को फटाफट पहले से लाइक कर दो, बिकॉज जब आप वीडियो देखोगे, आई डोंट नो कितने मिनट की वीडियो होने वाली है, बिकॉज मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को अच्छे से समझाने की, ना कि जल्दी जल्दी, ठीक है। क्योंकि एक बार आप समझ गए तो अच्छा खासा आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगेन, जैसे कि हमने वीडियो के अंदर कहा है, टाइटल में कहा है कि किस तरह से हम अपने एक छोटे से अकाउंट को, ठीक है, छोटा बैलेंस वाला जो अकाउंट होता है, हम फॉरेक्स की बात करते हैं, तो उसको किस हिसाब से धीरे धीरे बड़ा अकाउंट में कन्वर्ट करें। सेम अप्लाइज टू क्रिप्टो के अंदर कि हम छोटे से अकाउंट को किस हिसाब से धीरे धीरे ग्रो करें एक ऐसी स्ट्रेटजी से जो आपको लगभग लगभग एक अच्छा खासा मुनाफा देती है, ठीक है। किस हिसाब से करना है, इसका जो इंडिकेटर है वो भी मैं आपको यहाँ पर फ्री में देने वाला हूँ, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और मैं आप सारी चीज़ें आपको एक विस्तार में समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ आता है तो वापस से रिवाइंड करके इसको पीछे जाके देख लेना, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको चीज़ें बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं आज के दिन। तो जैसे कि आज हम इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करने वाले हैं ऑन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, तो मैं यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं फॉरेक्स की ट्रेडिंग करता हूँ, इट्स नथिंग बट ऑक्टा एफएक्स है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉरेक्स को भी अच्छे खासा ट्रेड कर सकते हैं और क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न मैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे हम दोनों को ट्रेड करते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, बट कोशिश करना आप ऑक्टा एफएक्स पे जाके ट्रेड करें, ठीक है। अब कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको सीधा चार्ट से बताता हूँ। और यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो MT4 प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं। अब आप बोलोगे यार ट्रेडिंग व्यू पे भी समझा दो, सेम जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप MT4 पे भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ रहती है कि अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि आप MT4 का जो प्लेटफॉर्म होता है उसका जो चार्ट है उस पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें और सही दिखती हैं और रिजल्ट भी थोड़ा सा एक्यूरेट मिलता है, ओके। अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग व्यू पे भी उस चार्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो इंडिकेटर्स में बता रहा हूँ उसकी सेटिंग वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि MT4 का प्लेटफॉर्म आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, और उसके बाद से हम इस स्ट्रेटजी पे पूरा इन डेप्थ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कैसे कैसे करना है सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है वेबसाइट octafx.com। आप जब ओपन करते हैं आपको इस हिसाब से ये पेज दिखेगा, ओके। और वापस से बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी सारी चीज़ें कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑक्टाफैक्स, इज नथिंग बट इट्स ए फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और वन ऑफ द पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं, इंडियन यूजर्स वगैरह ट्रेड करते हैं, इसको बहुत सारे यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। लेकिन फटाफट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम लेवरेज मिलती है डेट इज़ 1:500 की लेवरेज मिलती है, जहाँ पे आप अच्छा खासा छोटे अमाउंट से बड़ा बड़ा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। 230 ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 50% यहाँ पे बोनस मिलता है और स्क्रीन पे जो प्रोमो कोड दिया उसको यूज़ करेंगे तो आप जो भी डिपॉजिट करते हैं वो अमाउंट डबल हो जाती है, उससे आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट है यहाँ पे 30 डिजिटल करेंसी पेयर से यहाँ पे और क्रिप्टो के अंदर भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे अच्छे खासे वेबिनार्स होते हैं। वेबिनार्स का मतलब क्या हो गया कि लाइव जो रहता है आपको ट्रेडिंग सिखाई जाती है, और बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मेरे भी वेबिनार्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो वेबिनार्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग सीख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू के अंदर होते हैं। यहाँ पे फॉरेक्स के बेसिक आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रमोशंस में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, यानी कि आप अगर बिगिनर हैं तो डेमो में ट्राई कीजिए, और यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं एज ए विथ ए डेमो अकाउंट तो आप यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट भी आप विन कर सकते हैं सीखते सीखते। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने कहा था कि हम इसको MT4 प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से करने का है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे MT4 के अंदर आपको वेब प्लेटफॉर्म मिलेगा, एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक ओएस का मिलेगा, MT5 का भी मिलेगा और ऑक्टा ट्रेडर का भी मिलेगा। मैं आपको कहूँगा कि MT4 से आप स्टार्ट कीजिए, वेब प्लेटफॉर्म जो है उसको आप डाउनलोड कर लेना अपने डेस्कटॉप पे, किस हिसाब से देखिएगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा।
उसके साथ ही आप गूगल प्ले पे भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपल है, आप यहाँ पे साइन अप कीजिए और सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आप जीमेल से भी कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और अपना यहाँ पे जो भी एक डेमो अकाउंट और या रियल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं आपको पेज इस हिसाब से दिखता है और आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाना है और उसके बाद से आप यहाँ पे अकाउंट लिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको रियल अकाउंट दिखेगा, डेमो अकाउंट दिखेगा, तो रियल अकाउंट क्रिएट करना है तो रियल अकाउंट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, डेमो पे करना है तो डेमो पे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको विड्रॉ करना है आप विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इंडिया नेट बैंकिंग दिया है, यूपीआई दिया हुआ है, क्रिप्टो से भी आप डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं, इंडिया कैश, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जिस मोड से आप डिपॉजिट करते हैं उसी मोड से आप विड्रॉ कर सकते हैं। मेरी बात करेंगे कि मैं किस हिसाब से करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो को यूज़ करता हूँ, यानी कि यूएसडीटी तर जो होता है उसको मैं डिपॉजिट करता हूँ, फिर ट्रेड करता हूँ और प्रॉफिट होता है उसको भी मैं यूएसडीटी के अंदर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर, आप किस हिसाब से करना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्टाएफएक्स, एक ट्राई दीजिए, प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ और इस स्ट्रेटेजी को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस हिसाब से आप अपना एक छोटा सा फॉरेक्स अकाउंट को एक बड़ा अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं। अगर आपने आज तक कभी भी ट्रेडिंग नहीं किया है या कभी भी चार्ट्स के ऊपर चीज़ों को ड्रॉ नहीं किया या इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं किया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर रेडीमेड देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप का जो एप्लीकेशन था जो हमने डाउनलोड किया था वेबसाइट से, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर से, तो उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है, उसमें लॉगिन किया है, चीज़ें इस हिसाब से दिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं यूरो यूएसडी का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं टेम्पलेट को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाने वाला हूँ कि टेम्पलेट में डिज़ाइन किस हिसाब से करते कैसे करते, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रेडीमेड टेम्पलेट देने वाला हूँ, उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला जो आइकॉन है यहाँ पे जाना है, लोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी अपने फोल्डर के अंदर ये दो फाइल्स डाली हुई है, ट्रेड विद जिया स्कैल्प MT4, ट्रेड विद जिया स्कैल्प MT5। ठीक है, तो आपको MT4 हम यूज़ कर रहे हैं तो MT4 पे क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको चीज़ें इसी हिसाब से यहाँ पे दिखेंगी, अदरवाइज़ आप जब एक नया चार्ट ओपन करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत गड़बड़ वाली दिखती हैं, इस हिसाब से दिखती हैं तो आपको ट्रेड करने का मन नहीं करेगा। तो इसी हिसाब से आपको दिखेगा, आपको वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पे जाना है, फिर आपको लोड टेम्पलेट पे जाना है और यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करना है। चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं, सारा काम वो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब बस आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं वापस से यूरो यूएसडी के यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे तो रखना कहाँ पे भाई, कहाँ पे उसको डालना है, तो आप क्या करना, यहाँ फाइल पे जाना और यहाँ पे आप आ जाना ओपन डेटा फोल्डर। जब आप ओपन डेटा फोल्डर को ओपन करते हैं तो आपको इस हिसाब से चीज़ें दिखेंगी। टेम्पलेट्स के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे जो फाइल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको क्लोज कर देना है और आपको ये जो वेब प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको वापस से रीस्टार्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे लो टेम्पलेट के अंदर दिखेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सिंबल्स दिए गए हैं, क्रिप्टो के भी सिंबल्स दिए गए हैं और फॉरेक्स के भी हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आना है सिंबल्स में, आना है कंट्रोल यू पे करना है और यहाँ पे फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, मेटल्स, सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स है जो जो आपको ऐड करना है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्रिप्टो में आप करना चाहते हैं तो क्रिप्टो में जाइए, जो जो ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, जो भी ऐड करेंगे आपको इस हिसाब से यहाँ पे देखिएगा। फिलहाल मैंने BTC, इथेरियम और XRP यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। अब जैसे यूरो यूएसडी की बात करते हैं, इस पे हमें ट्रेड लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़, आपको टाइम फ्रेम क्या पकड़ना है, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम पकड़ रहे हैं 1 मिनट का। 1 मिनट का क्यों पकड़ रहे हैं, इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि देखिए हम यहाँ पे स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं। ओके, और क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि फॉरेक्स का मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डेली यहाँ पे ट्रेड होता है, तो यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट के अंदर भी आपको अच्छी खासी फ्लक्चुएशंस, वॉलीटिलिटी देखने को मिल जाएगी। डेट्स वाई यहाँ पे 1 मिनट का हमें चार्ट पकड़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अगर आपको चेंज नहीं करना आता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M5 यानी 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, तो M1 यानी कि 1 मिनट, इसको आपने यहाँ पे डाल दिया। अब चार्ट पे देखिए क्या दिख रहा है। ठीक है, ये कैंडल्स हैं, उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है, ब्लू, येल्लो और वाइट दिख रहा है, ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है,
तो ये ऑटोमेटिकली जो टेम्पलेट हमने लोड किया था वो सारी चीज़ें आपको ला के दे देगा। ये सारी जो हैं ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। तो ये कौन कौन से मूविंग एवरेजेस हैं वो चेक करना है, तो क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल आई दबा सकते हैं या राइट क्लिक करना है, इंडिकेटर लिस्ट पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम मूविंग एवरेजेस यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, उसके साथ नीचे ये देख रहे हैं ये वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम के ऊपर भी एक मूविंग एवरेज है। कौन कौन से चेक करना है इसको डबल क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इनपुट्स हैं ये 9 है, और उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ और कौन कौन सा है। हमने 20 ऐड किया है, ब्लू वाला 20 है, फिर येलो वाला जो है वो आपका 50 है, और वाइट वाला जो है वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। समझ गए, 9, 20, 50 और 200। जो लोग ट्रेडिंग व्यू में ट्राई करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन करके आप ये मूविंग एवरेजेस मैनुअली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम के अंदर आते हैं, तो वॉल्यूम के अंदर जो मूविंग एवरेज है वो एक सिंपल मूविंग एवरेज है और उसकी जो वैल्यू है वो है 20। ओके, ये जो वाइट वाली है ये 20 है। समझ गए यहाँ तक आप, कैंडल्स दिख रहे हैं उसके ऊपर जो लाइनें दिख रही हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है कौन कौन सी वैल्यूज़ है, और वॉल्यूम के ऊपर जो वाइट लाइन है उसका क्या वैल्यू है वो मूविंग एवरेज है, और ऊपर की तरफ जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है, अब मैं चार्ट्स को लेटेस्ट पे आता हूँ, करंट सिनेरियोज में आता हूँ, तो हमें यहाँ पे इस हिसाब से दिख रहा है। ओके, अब आपको ट्रेड कब लेना है, ठीक है, सीधा हम बात करते हैं बाय कब करना है, सेल कब करना है। और हाँ, मैंने जैसे कहा है कि स्टार्टिंग में कहा था कि इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके हम दो तरह की ट्रेड लेंगे, तो आज का ये जो सेशन है इसके अंदर मैं एक आपको बता रहा हूँ, चीज़ें सब रहेंगी सेम चीज़ रहेंगी, बस दो तरीके इसमें से निकल के आते हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं। तो आज पहला मेथड मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें अगर सेल करना है तो क्या होना चाहिए, ये चारों मूविंग एवरेजेस हैं इससे नीचे कैंडल होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ रूल नंबर 1। ठीक है, ये चारों से कैंडल नीचे आ गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे ये वॉल्यूम के कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम के जो कॉलम्स है उनकी जो हाइट है ये वाइट वाली जो मूविंग एवरेज है ना उससे ऊपर दिखनी चाहिए, यानी कि अगर ये चारों से नीचे कैंडल आ जाता है लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं ये वाइट लाइन से ऊपर नहीं है नीचे नहीं है तो आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है। समझ गए, और सेम चीज़ है अगर आपको बाय करना है तो जो प्राइस एक्शन का जो कैंडल है वो चारों मूविंग एवरेजेस से ऊपर होना चाहिए, और उसके साथ ही वॉल्यूम कैंडल्स जो है उसकी जो कॉलम है वो वाइट वाली लाइन से ऊपर होनी चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए ये जो है चारों नीचे आया है, चारों मूविंग एवरेज से नीचे है, और उसके बाद से आप देखते हैं ये जो कॉलम है वो भी वाइट वाली लाइन से ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, हमने यहाँ तक आया, अच्छा खासा हमें यहाँ पे पिप्स में प्रॉफिट मिला। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या देखा है कि ये जो कैंडल है यहाँ पे इस कैंडल ने ये चारों मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे देखता हूँ, अगर आपको कर्सर चाहिए तो कंट्रोल एफ दबाएंगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ मिलेगा इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ये चारों मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया। ओके, अब मैं नीचे देख रहा हूँ तो भैया नीचे जो वॉल्यूम है ये वाइट वाले से नीचे है, तो मैं अभी अपनी एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा कि कब जो है वॉल्यूम की जो कॉलम है ये वाइट वाली लाइन से ऊपर आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल्स चारों के ऊपर है और यहाँ से शुरुआत हुई नीचे, आप देखिए। ओके, तो मैंने यहाँ से अपनी एंट्री की, लॉन्ग की, बाय की, और मुझे अच्छा खासा यहाँ पे पिप से प्रॉफिट मिला। ठीक है, इस हिसाब से करना है, अगर ये बीच में घिच पिच इस हिसाब से चल रहा है तब आपको ट्रेड से बचना है। ठीक है, एकदम नीचे आना चाहिए या थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, तो मैं चार्ट्स को यहाँ पे लेता हूँ। ओके, इस हिसाब से, ठीक है, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने इसको यहाँ पे तोड़ा। ओके, चारों के ऊपर आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉलम है ये भी इससे ऊपर आया। अगर आपसे ये मिस हो जाता है, ठीक है, आपने नहीं लिया, फिर देखते हैं कॉलम्स अभी भी नीचे, तो आप इंतज़ार करो, फिर जब कॉलम आपको ऊपर दिख रहा है वाइट वाली लाइन से देन ओनली यू शुड टेक द एंट्री, बाय एंट्री आपको लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हम वेट कर रहे हैं कि चारों से नीचे कब आता है, तो ये यहाँ पे आया, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो वाइट वाले के नीचे, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इससे आप बहुत बच जाते हैं गलत ट्रेड लेने के अंदर। ठीक है, तो आप ये पीछे जाएंगे कितना भी जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, ये नीचे आया, कॉलम ऊपर मिला, आपने यहाँ से शॉर्ट किया। ओके, तो ये हम 1 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर क्या है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया
और फिर मैंने एंट्री नहीं ली भाई यहाँ, तो कोई बात नहीं, हमें कंडीशंस को पकड़ के चलनी है। पहली कंडीशन क्लियर है, दूसरी कंडीशन क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद वापस से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर उसके अंदर देखो, फिर उसके आगे देखो, ठीक है। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप फॉरेक्स के अंदर आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इससे मेरे हिसाब से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा अगर आप जो प्लान है उसको स्टिक करके उस पर चलते हैं, ठीक है। आपको चेंज कुछ नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो इसके मैं कल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक यूरो यूएसडी के अंदर बता दिया, इसके साथ आप कोई भी फॉरेक्स का चार्ट ले लेंगे तो आपको सारी चीज़ें उसी हिसाब से दिख जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ओके। अब क्रिप्टो में हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाएफएक्स पे आप क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बीटीसी का एक चार्ट पकड़ता हूँ, तो बीटीसी का मैंने यहाँ पे चार्ट पकड़ा है। अब क्रिप्टो में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 1 मिनट का चार्ट नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 मिनट्स का चार्ट पकड़ूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये फॉरेक्स जैसी वॉल्यूम नहीं है, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा चार्ट को बड़ा करूँगा ताकि चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी सही से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट दिया तो मैं इसको 5 मिनट में करता हूँ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं वापस से चारों से प्राइस नीचे की तरफ आया, ये ऊपर है कॉलम से, शॉर्ट कर लो, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे देखो, कॉलम नीचे आया और प्राइस नीचे आया, कॉलम ऊपर है, हमने यहाँ से शॉर्ट कर लिया, ठीक है। हमें यहाँ पे लॉन्ग की कोई सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि चारों से जो ऊपर प्राइस होनी चाहिए, अभी क्या है कि चारों से प्राइस नीचे की तरफ है, ठीक है। तो सारे शॉर्ट के हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढने, लेकिन सही टाइमिंग होनी चाहिए, ओके। तो क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे यार ये तो ऊपर ऊपर जा रहा है, चलो यहाँ से लॉन्ग करें, नहीं करना है, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है ये अभी चारों से ऊपर नहीं है, तो हम लॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है, हमें सिर्फ शॉर्ट देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिल जाएंगी जब आपको कॉलम यहाँ पे नीचे दिखेगा। जैसे यहाँ पे आया, चारों से प्राइस नीचे है, कॉलम भी अच्छा खासा है, यहाँ से हमने ओपन किया, रफली अगर मैं देखूँ कितने पे है ये, ओके, 25,700 पे था, और यहाँ पे आया ये रफली 25,600 के आसपास आया, ठीक है। तो ये अगर आप इस पर ऑक्टाफेस पे करते हैं 1:500 की आपको लेवरेज मिलती है, तो आपको मोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट इजीली कमाने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है, हम थोड़ा सा लॉन्ग वाला जाके देखते हैं, पीछे जाते हैं, क्योंकि जब ट्रेंड थोड़ा ऊपर की तरफ था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, कैंडल जो था चारों मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे गया, और ये जो कॉलम्स हैं ये भी वाइट के ऊपर थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करी, नो मैटर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, बट हमने स्टिक टू द प्लान्स रखा और प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने शॉर्ट में कमाया, उसके बाद से जो कैंडल था चारों के ऊपर गया यहाँ पे, और हम यहाँ पे देखते हैं कि वाइट वाली लाइन से ऊपर ये वॉल्यूम के कॉलम्स गए, हमने यहाँ से लॉन्ग किया, स्कैल्पिंग में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ये आप आराम से आप देख सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको प्लान पे स्टिक रहना है और उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि ये जो स्ट्रेटेजी है, जो मेथड वन है, मैंने आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों के अंदर बता दिया, आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को वापस से थोड़ा सा देख लेना, ओके। और सेम चीज़ को आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी डाल सकते हो, मतलब कि आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है और उस पर 4 EMA जो होते हैं वो डाल दो, 9, 20, 50 और 200 का डाल दो, ठीक है। और जो वॉल्यूम है उसके ऊपर भी आप एक मूविंग एवरेज ऐड कर दो 20 का, ठीक है, और वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप अपने छोटे से अकाउंट को कंसिस्टेंटली एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करके धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए, ट्रेडिंग के अंदर रातों रात कभी कोई अमीर नहीं बनता है, ट्रेडिंग के अंदर उनको ही सक्सेस मिल पाती है जो चीज़ों को अच्छे से परखते हैं, स्टडी करते हैं कि इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, क्या करना चाहिए, तो करना। हमें कहीं पे भी गैम्बलिंग वाला काम नहीं करना है कि भाई यहाँ से माल उठा लो, वो लोग कह रहे हैं ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं। जब तक आप खुद चीज़ों को नहीं सीखोगे, नहीं परखोगे, नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और एक बार चीज़ें अगर समझ गई, ठीक है, दिमाग में आ गया आपके, तो आप आराम से अच्छा खासा एक डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि रातों रात एकदम अमीर बनना, ये बनना है, ठीक है, वो सब अगर ख्यालात आते हैं दिमाग के अंदर तो वो एक दिन आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो, धीरे धीरे ट्रेड करो, सीखो, उसके बाद अपनी कैपिटल है उसको बढ़ाओ, लॉट साइज है उसको बढ़ाओ, ठीक है।
और यहाँ पे अकाउंट आप क्रिएट कीजिए ऑक्टाफ्स पे, प्रोमो कोड को यूज़ कीजिए, डिपॉजिट करते हैं वो डबल अमाउंट हो जाएगा। तो उससे क्या रहेगा कि आप एग्जैक्टली एक तरीके से फ्री में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे मैंने 100 डिपॉजिट किया, 200 हो गया, तो 100 मैंने अपना बचा के रखा और जो एक्स्ट्रा मुझे 100 मिला उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ रियल में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और इसके बाद सेम स्ट्रैटेजी यानी कि जो सेम टेम्पलेट हमने डाला है उसको यूज़ करके एक अलग ही मेथड है, ठीक है, वो आप सीखना चाहते हैं जो नेक्स्ट सेशन के मैं कवर कब करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, 1500-2000 से ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए, तो वो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखा दूंगा। और वो भी एक कह सकते हैं कि नेवर लॉस स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को शेयर कीजिए ताकि अगर वो क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड कर रहे हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सके, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।